कोरोना जैसी महामारी में भी नहीं सुधरी स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाएं, जहां बांदा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेरू जिला बांदा में, जहां पर देश और दुनिया शहर गांव से कोरोना की दस्तक के बाद जहां हड़कंप मचा हुआ है। सैनिटाइजर छिड़काव व मास्क ड्रेस के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू का बुरा हाल है। डॉक्टर व कर्मचारियों के लिए नहीं है मास्क की व्यवस्था, न ही ड्रेस की, न तो अस्पताल में सैनिटाइजर व छिड़काव की व्यवस्था उपलब्ध है। डॉक्टर व कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर रोज 100 से 150 लोग संदिग्ध मरीज आते हैं, हम लोग कैसे कुछ रक्षा करें। बच्चे इस संक्रमण से हम अधीक्षक साहब से भी कई बार कहा, पर आश्वासन देकर टाल देते हैं, कहते हैं कि आ जाएंगे, मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, आश्वासन नहीं मिल पाता, हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें, हम डॉक्टर्स कर्मचारी इस महामारी में अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें, हमें बगैर सुरक्षा के संदिग्ध मरीजों को देखना पड़ रहा है, हम संक्रमित हो गए तो स्टाफ के लोग क्या करेंगे, इसलिए हम अपनी बात मीडिया को बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सत्यन सिंह, बांदा, यूपी। मास्क उपलब्ध है न, यहाँ कोई सैनिटाइजिंग हो रही है, छिड़काव होता है, कुछ 2-2 घंटे में होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत परेशान हैं, ना तो कोई यहाँ ड्रेस उपलब्ध हो पा रही है यहाँ अपने यहाँ, ना तो किसी को मास्क, देखिए इधर इनको कोई मास्क नहीं उपलब्ध है इनके पास, देखिए इनको कहीं मिला भैया, नहीं मिला मास्क। बताइए, संदिग्ध मरीज वगैरह आते हैं? संदिग्ध मरीज खूब आते हैं, खूब आए, आज करीब 150-150 मरीजों की सब हुआ है, सब बाहरी लोग आए, सब संक्रमण से हम लोग ग्रसित हैं कि कम से कम हो जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे। सरकार के तरफ से कोई साधन, सरकार के क्या अधीक्षक महोदय को हम 3 बार लिखित दे चुके हैं, अभी तक कोई आश्वासन रूप में हुआ है कुछ कहा ही नहीं जाता, कहते हैं आ जाएंगे, ना तो कोई ड्रेस है किसी, कम से कम संक्रमण से हम तो बच सकें, कर्मचारी तो बच सकें। क्या नाम डॉक्टर साहब है, देख लीजिए इनको भी ड्रेस नहीं उपलब्ध है। क्या नाम डॉक्टर साहब? हमारा संदीप कुमार नाम है। मरीज आता है, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान है, ना कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना कुछ, अगर एक लोग इन्फेक्शन हो गया लगभग सभी लोग को हो जाएगा इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मरीज आते हैं? मरीज संदिग्ध आते हैं, कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है सरकार की तरफ से, अभी शासन तो नहीं हुई।